लाराम हो गया ना। और शाबाश, जल्दी करो ना। थ्री थ्री ओ क्लॉक हो गया। ये रात का टाइम है और हम लोग पर्दे लगा रहे हैं। यहाँ पे ये वाले पर्दे लगा रहे हैं, ये वाले अच्छे हैं ना। तो अभी हस्बैंड लगाते हैं, लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं। हाँ, इस पाइप के दोनों कोने बराबर हैं। हाँ बराबर है, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लग गए ना। बिल्कुल दोनों लगा दिए, दोनों डाल। यहाँ पर ये वाला कालीन डाल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा हो गया है। और ये पर्दे कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और कालीन भी ढल चुका है और सारी कुशन कवर भी मैंने डाल दिया। अभी ऐसी मैस हो रहा है क्योंकि रात का ये टाइम है और अभियान और अफनान यहाँ पे सो रहे हैं क्योंकि मैंने रूम की सेटिंग चेंज की है। और ये कपड़े ना नए आपने ऐसे तय कर दिए, कल अलमारी ठीक करेंगे फिर ये ऐसे डाल देंगे, तो इसको इग्नोर करो। हाँ बिश्रा जी, मलाई में ले आऊँ। अच्छा, ये लो। दो कप सही है ना? बिल्कुल सही है। और बस दो पराठे बनाए, एक पराठे बनाए, कैसे बने हैं? बहुत मजे के बने। और अब हम नाश्ता कर लेंगे और मैं चाय लाती हूँ। अजलान जाग गया। अच्छा, मैं अजलान को देखने जाता हूँ। सही है, अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता करती फिर आ जाए। अजलान, वो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया सारा कुछ ख़त्म। हम ना शहरी में हमेशा मलाई खाते हैं, मलाई हम लोग लाए नहीं है राशन में। अभी मेरे हस्बैंड बेचारे गए हैं इतने दूर और असलान भी उठ गया ना, हस्बैंड उसको वो कर रहे हैं। अभी टाइम है तो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और दुआ कर लेती हूँ। और अब यहाँ लोग सो रहे हैं, कल उनका पेपर भी है और मुझे भी नींद भी बहुत आ रही है। अब दुआ करेंगे मैं सुबह उठ जाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा नींद की कमी हो गई है मुझ में, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, अब कुछ बेहतर फील हो रहा है। बस आप सबने ना हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे और हमारे रोज़े अच्छे से गुजरे, आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजरे और ये रोज़े ना हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और बस मैं ये बर्तन उठाती हूँ और तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, लेट हो रहा है ऐसा ना हो फिर अजलान रो रहा है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा,
मैं कमरे में आ गई हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली है और अभी मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। हर टाइम मैं मतलब सुबह की नमाज के बाद मैं ज़रूर जो मेरे वजीफ़ा है ना वो मैं करती हूँ। और हजलान को देखो ना, इसने हमें बहुत परेशान किया हजलान, तो बस ये ना मैं पढ़ूँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी, फिर बच्चों को स्कूल के लिए उठाऊँगी। आज उनका पेपर है, शुक्र है कल इनका लास्ट पेपर है, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और बस मैं ये वजीफ़ा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। और ये देखिए हस्बैंड ने भी नमाज पढ़ ली, वो भी फ्री हो गए, उसका कोई काम था तो वो मोबाइल में ना वो अपना काम कर रहा है, तो बस मैं ना वजीफ़ा करके फिर हम सोते हैं, ठीक है ना। और बस आप सब ने भी नमाज तो पढ़ ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुछ लोग तो फिर नहीं सोते, और ज़ाहिर बात है रोज़े में तो सारे लोग सो जाते हैं, मैं तो फिर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद ना दोबारा से थोड़ी देर के लिए फिर सो जाती हूँ, फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर काम होते हैं ना घर के। और अभी तो नया भी है, वो भी आएगी सुबह, तो उसके लिए मैंने फ्रेश होना है, तो अभी मैं चलती हूँ वजीफ़ा पढ़ के फिर मैं सोती हूँ। ये तो रुक भी नहीं रही, पर सिल्क वाले हैं। ये मैंने डाल दिए और इनके कवर भी मैंने धो दिए, और ये देखें ना सबके कवर मैंने धो दिए और इन पे डाल भी दिए, सारे कितने साफ़ हो गए हैं ना। और ये चादरी भी मैंने वापस पे इस पे बिछा दी है, और कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह का टाइम। लाइट सिस्टम मैं ऑन कर देती हूँ, अच्छी खासी रोशनी जो है ना बाहर से आती है। ये देखें ना, लाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से इतनी प्यारी रोशनी आती है, और घर भी हमारा बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया। ये कपड़े हैं, जब मेरे हस्बैंड उठेंगे ना तो इनको मैं अलमारी में सेट करके रख दूँगी, और इन्हें भी ना मैं मतलब यहाँ से हटा दूँगी, अच्छे नहीं लग रहे ना। और शुक्र है नया आप आ गई है, ये मेरी हेल्पर है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, अजलान भी था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि रोज़े मेरे अच्छे से गुजरे, अच्छी मैं इबादत कर लूँ, और मतलब प्यारा हमारा रोज़ा गुजरे। तो शुक्र है आप आ गई है, बहुत ज़बरदस्त लड़की है, नाइस है, और अब वो मेरे सारी हेल्प करेगी कामों में, और मेरा रोज़ा अच्छी तरह गुजरेगा। और मैं बहुत थक गई थी, मैंने इतनी ज़्यादा लड़कियाँ ढूँढिया ना, पर मुझे कोई अच्छी सी मिली नहीं थी, पर अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया ना, आप इतनी अच्छी लड़की है बहुत ज़्यादा। तो बस अब हम काम करते हैं, और जो है ना मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी है, वो अभी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब टाइम हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 11, ये हम लोगों ने ना 10 मिनट आगे किए। देखना ये लोग सो रहे हैं, और कमरा जो है ना पता नहीं कब साफ होगा, ये पर्दे भी हटाने वाले हैं, हस्बैंड को कब मौका मिलेगा कि वो ये पर्दे हटा दे। और अजलान भी उठा हुआ है, और अभी तो फिलहाल खेल रहा है। अच्छा ना, ये सारा मैंने पेस्ट बनाकर फ्रिज में ना फ्रीज कर लिया था फ्रीज़र में, अब मैं निकालती हूँ इनको ना, मैं शॉपर में रख दूँगी, बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई है, ये देख लेना। अब ये मेरी बड़ी आसानी है, नया आ जाओ, ये रख के जाओ किचन में। और अभी हम लोग भी आ गए हैं ट्यूशन से। क्यों? भूख लगी थी, स्कूल में बस थोड़ी सी चीजें खाई हैं, 50 रुपए की। घर में ज्यादा खा ले। हाँ ना, घर में ज्यादा खाते।
150 की। अच्छा बिलाल 100 लाया था। अच्छा चलो सही है। ये चटनी बनाई है मैंने, पुदीने की, मिर्चों की और लहसुन, इसमें सारी चीजें डाली हैं। ये देखे ना कितने ज्यादा मैंने रात को, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने तो लोगों को पागल बना दी। ये देखे ना ये बना हुआ है ना। हाँ बना हुआ है, ये बाद में कर लूंगी। और ये ना वो है गार्लिक और जिंजर है, इसका भी मैंने पेस्ट बना। और ये ना लेमन का जूस मैंने सारा कर दिया था, गूदे समेत ही। तो मैंने कहा इसे मैं ना, मुझे अच्छा लगता है गूदा जब उसमें हो, तो ये मैं बाद में डालूंगी। फिलहाल ना हम फ्रिज बंद कर देते हैं और अपनी चीजों को ना रख देते हैं। ये है ना वो पेस्ट लहसुन अदरक का, और एक ही हो गया। अब इसको हम रखते हैं ताकि ये ना अच्छी तरह जम जाए, बर्फ बन जाए, फिर इसको हम निकालेंगे बाद में। ये भी आ गया। मेरी जान ने साफ नहीं होना, कपड़े चेंज नहीं करने मेरी जानू ने, छोटे छोटे जानू ने। बस बस कैमरा को देख के चुप हो गया। हाँ। इसलिए पता चला है वीडियो चल रही है ताकि मैं खराब ना। अभी वापस रोने लग। हाँ। इसे ना कपड़े चेंज करने बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़ा छोड़ा। इसकी थोड़ी सी मैं शलशाइश कर देती हूँ, शलशाइश कर देती हूँ, शलशाइश कर देती हूँ, शलशाइश कर देती हूँ, शलशाइश। यहाँ पर ना नया नुमान के कपड़े और बच्चों के स्कूल के कपड़े इसरी कर रही है। कल बच्चों का लास्ट डे है और मैंने यहाँ ने आपसे कहा तुम कपड़े इसी कर दो, और मैं किचन में जाती हूँ, लोबिया को ना पानी में डाल देती हूँ, रख देती हूँ भिगोने के लिए, ताकि फिर कुछ टाइम बाद ना मैं उसका चाट भी बना लूँगी और सालन भी बना लूँगी, ये इजी रहेगा। और आलू भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। चलती हूँ किचन में। और आज का रोज़ा आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है सबका कैसे गुजरा है। मेरा तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। और ये देखे ना सारी कैबिनेट मैंने इस तरह साफ करके रख दी थी, सेट करके, और इतनी अच्छी लग रही है जब कैबिनेट साफ हो तो। ये कॉपियाँ मैं उतार देती हूँ। ये ना मैंने इनमें रखी है, इन बॉक्सेस में, और इस तरह छोटे बॉक्सेस ना मैंने फिल करके रख दिए। ये ना इसमें मुझे लगता है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और असलान भी उठ चुका है। मैं सोच रही हूँ असलान जो शोर मचा है उससे पहले मैं नमाज पढ़ लूँ और वीडियो भी एडिट करनी है, फिर उसके बाद किचन के काम करने हैं ना। आज बच्चों ने कहा था कि रोज़े में ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, तो उसकी अच्छी खासी अभी तैयारी लगेगी। फिर मैं और ना नए आप जाएंगे किचन में, सारा काम करेंगे
और अगर अजलान ने फिर से लग गया उसे फिर से सुला दूंगी ताकि मैं अपने काम आराम से ना इजीली कर पाऊँ। और अब मैं नमाज पढ़ती हूँ और वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फुल वॉच करना वीडियो को, और स्पेशली फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।